गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। जय दोस्तों, मैं दुर्गाचंद स्वागत करता हूं आप सभी का। आज टीचर्स डे है और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। एक्चुअली मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जहां पे पढ़ाता हूं वहां पे कुछ बच्चे ग्रुप में हैं। उन बच्चों ने हमसे कहा था कि सर हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाएंगे और आप ज़रूर आइएगा। तो मैंने कहा अगर तुम लोग मनाते हो, तुम लोगों की इच्छा है, तो मैं ज़रूर आऊँगा, इसमें क्या बात है। तो उन बच्चों ने सेलिब्रेशन किया है इसका। मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, उस समय टीचर्स डे क्या होता था और आज टीचर्स डे बच्चे लोग कैसे मनाते हैं, टीचर्स कैसे मनाते हैं, बहुत अंतर आ गया है। इसके अलावा बच्चों में, बड़ों में, सब लोगों के विचारों में बहुत सारा डिफरेंस आ गया है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा आपसे। बस एक छोटी सी वीडियो क्लिप हम लोग देखते हैं जो आज बच्चों ने सेलिब्रेट किया था टीचर्स डे पे। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। और जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 5 सितंबर टीचर्स डे है। देखिए बच्चों ने ये तैयारी करके रखा हुआ है टीचर्स डे का, ये केक मंगवाया हुआ है। देखिए सेलिब्रेट कर रहा है, बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, सुबह से लगे हुए थे। देखिए ये सजाया गया है, बैलून सजाया गया है और ये देखिए यहाँ पे झंडियाँ लगाया गया है। सुबह से ही लगे हुए हैं बच्चे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाने के लिए। और देखिए अब हम लोग केक काटेंगे यहाँ पे अपने गुरु के सम्मान के लिए। हैप्पी टीचर्स डे, 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 हैप्पी टीचर्स डे। दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे मिलवा रहा हूँ। ये देखिए ये हमारे ट्यूशन में जो पढ़ता है, इसका नाम है आलोक और इनका नाम है पंकज। ये शिवम और इसके पीछे में छोटा बच्चा, क्या नाम है जी? आर्यन। ये है इसका भाई प्रिंस और ये है प्रेम और ये है परी, इसका नाम परी है। इन लोग कुछ बोलने के लिए, इन लोग कुछ तैयारी करके रखे हुए हैं, तो आइए हम लोग पूछते हैं इन लोगों से। पहले आलोक से पूछेंगे। आलोक, गुरु के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आलोक बोल रहे हैं कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अब हम लोग पूछते हैं पंकज से। पंकज आप क्या कहना चाहते हैं? सच्चा गुरु मिल जाए तो कुछ और पाने के लिए नहीं रहता। बहुत अच्छी बात बोले हैं, सच्चा गुरु अगर मिल जाए तो कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता, उनसे हमारा सारा काम हो जाता है। अब हम लोग प्रेम से पूछते हैं। प्रेम, गुरु के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। बहुत अच्छा बोले हैं। प्रेम बोल रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, सही बात है। परी हम लोगों को क्या सुनाएगी? गुरु ही हमें भगवान के बारे में बताते हैं। बिल्कुल सही बोल रही है, गुरु ही हमें भगवान के बारे में बतलाते हैं। आज की वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूँ। जब हम लोग बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे और वहाँ पे 5 सितंबर आता था, हम लोगों को कोई पता नहीं रहता था कि 5 सितंबर आया है और उस दिन हम लोगों को छुट्टी दे दिया जाता था। सारे बच्चे बहुत खुश होते थे और उन लोगों को एक रुपये में एक टिकट खरीदने का रहता था। वो 1 रुपये का टिकट रहता था, 1 रुपये का टिकट वो खरीदने के बाद हरे रंग का रहता था, उसमें शिक्षक दिवस लिखा रहता था और वो हम लोग लेते थे और अपने शर्ट में उसमें एक कागज़ का पैकेट बना के अपने शर्ट में लगा के और फिर हम लोग घर वापस आ जाते थे। हम लोग बहुत खुश रहते थे। और फिर दूसरे टाइम, सेकेंड टाइम में हम लोगों को कुछ गिफ्ट देने का रहता था, तो हम लोग अक्सर झाड़ू या शीशे का गिलास सारे बच्चे खरीदते थे। तो हम लोग को कोई पता तो रहता नहीं था, घर से बस मांगते थे कि पैसा दो, वहाँ सर लोगों को देना है, तो वहाँ से लेते थे और दुकान में जाके कुछ भी एक गिफ्ट लेते थे और वहाँ पे स्कूल में जाके जमा कर देते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि कितना पैसा लगा, क्या हुआ, उसके बदले में हम लोगों को क्या मिलेगा। लेकिन आज के डेट में यही चीज़ बदलाव आ गया। जब बच्चे कोई गिफ्ट देते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हमें भी टीचर से कोई गिफ्ट मिलेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अक्सर बच्चे लोग बोलते हैं कि सर हम लोग टीचर्स डे में ये आप लोगों को गिफ्ट दिए थे, इतना इतना खर्चा हो गया था, इतना पैसा लग गया था, और आप लोग ये चिल्ड्रंस डे जब आता है नवंबर में, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है उसमें, तो उसमें बोलते हैं कि सर आप लोग हम लोगों को भी गिफ्ट दीजिए।
तो इस तरह का थिंकिंग बच्चों में आ गया है, उसके गार्जियंस में भी आ गया है। कई बार बच्चे लोग जब गार्जियन से पैसा मांगते हैं टीचर्स डे में, तो वो उन लोग को लगता है कि टीचर लोग पैसा मांग रहे हैं, तो इस तरह की थिंकिंग आ गया है। इसीलिए ज़्यादातर अब के स्कूल टीचर्स डे में बंद कर दिया जाता है, इसके पीछे कारण यही है। और हम लोग जैसे एक साधारण टीचर, प्राइवेट टीचर जो होते हैं, वो आसानी से इतने एक एक बच्चे को अगर दिया जाए, एक एक बच्चे को एक एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाए, इतने सारे बच्चे होते हैं, उतना मैनेज करना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आजकल स्कूल बंद कर दिया जाता है, ताकि ना वो कोई गिफ्ट दे सके और ना हम उनके बदले में उन लोगों को कुछ दे सके। तो इस तरह की विचारधारा जो आज के बच्चों में, गार्जियन में होता जा रहा है, वो एक अच्छा चीज़ नहीं है। हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि हम लोग अपने बचपन में जो कुछ भी देते थे, कभी हम लोगों के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि सर को हम लोगों ने क्या दिया और हम लोगों को उनसे क्या मिलना चाहिए, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया। और ऐसा कभी अपने गुरु के प्रति अगर हम लोग कुछ सम्मान के रूप में कुछ भी देते हैं, तो हम लोगों के मन में इस तरह की भाव आना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। तो इसीलिए यही मैसेज हमको देना था कि आप अपने टीचर को, अपने गुरु को कुछ भी दे रहे हैं, तो आप उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा मत रखिए। इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को अगर मिलता है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, इसमें बच्चों को स्टडी करवाया जाता है चैप्टर बाय चैप्टर। इसीलिए मैं खुद टीचर हूँ, इसीलिए टीचर्स डे पे एक छोटा सा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था।